नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दास स्कूल पे। कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज यानी 2 तारीख को अब मुझे विद्यालय जाना है, क्योंकि विद्यालय 3 तारीख से ओपन है। तो मुझे 2 तारीख को पहुंचना है और मेरा बैग बिल्कुल रेडी है और मैं अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ये देखिए चाबी, और पूरा मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में क्या है। अब विद्यालय में कुछ स्टूडेंट भी पहुंचे हैं, जैसा मुझे मालूम हुआ है। वहाँ चंदन सर, प्रिंसिपल सर अपने मौजूद हैं वहाँ पे। तो चलते हैं विद्यालय और मैं अपने घर वाले से विदा लेता हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारी नानी है और ये हमारी मम्मी है। हम लोग विदा लेते हैं। नानी मुझे पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी सेवा किया है और मम्मी भी साथ में, पापा पीछे हैं। इसके अलावा मैं अब घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं विद्यालय पहुँच रहा हूँ। आप लोग विद्यालय जल्दी से जल्दी पहुँचिए और जो आपका पढ़ाई है वो सही से हो पाएगा जब आप विद्यालय आएंगे। चलिए विद्यालय चलते हैं। और काफ़ी 5-6 दिन जब विद्यालय घर में रुका जाता है ना, तो कुछ सामान आपको नहीं मिलेगा, कुछ सामान ढूंढना पड़ेगा। काफ़ी मैंने मेहनत किया, तो कभी हेडफोन छूट जाता था, तो कभी टी शर्ट, कभी ट्राउज़र, काफ़ी मेहनत किया मैंने। चलिए हम लोग फाइनली निकल गए। हेमलेट थोड़ा सा हेमलेट हो गया रखा हुआ। इसके अलावा अब विद्यालय पहुंचेंगे अपने बाइक से और विद्यालय का भी वीडियो देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए हेमलेट हमारे हाथ में आ गया है और मैं सबको बाय कर रहा हूँ। और ये हमारा, ये देखिए बुलेट। चलिए हम लोग विद्यालय चलते हैं और विद्यालय में देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं, क्या हो रहा है, वहाँ साफ़ सफाई हुआ है अथवा नहीं, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 20 मिनट सफ़र करने के बाद फाइनली हम विद्यालय पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाइक मैंने लगाया है यहाँ पे। और अब मैं गेट खटखटाऊँगा, नॉक करूँगा, उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा, कितने बच्चे आए। कुछ बच्चे तो आए हैं मुझे मालूम पड़ा है फ़ोन पे। और आप अभी तक नहीं आए तो आप भी कल आ जाइए, क्योंकि 3 तारीख से विद्यालय ओपन है। मैं नॉक करता हूँ गेट और अच्छा नीतीश सर आ गए हैं गेट खोलने के लिए। चलिए हम आपको इस वाले एंगल से अब दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। फाइनली विद्यालय में एंट्री कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच भी है, तो कुछ बच्चे आए हैं जो एंजॉय कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। चलिए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ टीवी वाले रूम में, देखते हैं कौन कौन से बच्चे आए हैं और क्या कर रहे हैं। ये देखिए, जी 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 जी, बैठो बैठो बैठो। कितने बच्चे आए हुए हैं और कितने बच्चे सभी मैच देख रहे हैं, मैच देख कर अपना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोए हुए हैं और कौन बैटिंग कर रहा है? इंडिया। स्कोर, स्कोर कितना है? 157। मैं आपको दिखा दूँ टीवी पे, बड़े वाले स्क्रीन पे मैच चल रहा है लाइव और बच्चे सभी एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको अपने ऑफिस का हाल दिखाता हूँ, क्योंकि विद्यालय मैंने एंट्री किया है। तो कल जब विद्यालय ओपन होगा तो बहुत सारे पेरेंट्स आएंगे, तो मेरे ऑफिस को साफ़ सफाई करना है, पूरे विद्यालय का साफ़ सफाई करना है। मेरे ऑफिस में भी टीवी चल रहा है और हमारे प्रिंसिपल सर बैठकर टीवी का आनंद ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो के पहले ही कि विद्यालय में प्रिंसिपल सर पहुँचे हुए हैं, मेरा देरी है, मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ। यहाँ सर भी मैच का एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश का पूरा। आप देख सकते हैं कि ऑफिस बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, मुझे पूरा साफ सफाई करना है आज। कल विद्यालय ओपन है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक नहीं आए हैं तो कल जरूर से ज़रूर आ जाइए। कुछ बच्चे आए हुए, तकरीबन 10 स्टूडेंट हैं, नैतिक, नीरज, सौरभ, गौरव, गोलू, इसके अलावा आयुष है, निखिल है, 10 बच्चे हैं टोटल जैसा मुझे मालूम है। मैं भी
घुमाने हो विद्यालय में। चलिए, आशा है और विश्वास भी है कि आप कल जरूर से जरूर आइएगा और आकर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके बिना सिलेबस भी आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, बच्चों के साथ जरूर मिलेंगे, बच्चों के साथ जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, गुड वाला कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।